धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसा फरामोश करेंगे उतना दर्द बेमानी हो जाएगा। कोई भी गुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तुलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन हैं वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज व ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुजार रहते हैं। नाउम्मीद इंसान हर अच्छा मौका गंवा देता है, मगर पुर उम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है और सबसे काम आसान दूसरों पर तनकीद करना है। इस्लाह कीजिए, लेकिन किसी के सामने शर्मिंदा करना इस्लाह नहीं बल्कि तनकीद के ज़ुमरे में आता है। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का यही राज है। आप ज़बरदस्ती किसी को दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। किसी का आप पर एतबार करना आपसे मोहब्बत करने से ज़्यादा काबिल तारीफ है। अपनी खुशियां और गम अपने तक महदूद रखें, क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मज़ीद दुख देते हैं। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। हर शख्स भले अच्छा ना हो, लेकिन हर शख्स में कुछ ना कुछ अच्छा लाजमी होता है। कभी किसी मामले में काजी ना बनो, क्योंकि हर वली का एक माजी है और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता है। थोड़ी सी भी तनकीद बड़े बड़ों की असलियत खोल देती है। जो शख्स कुरान करीम पढ़े और उस पर अमर करे, उसके वालदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ्ताब की रोशनी से ज़्यादा होगी। ज़ुबान वो हथियार है जिसको इंसान गुस्से में इस्तेमाल करने से मजबूत रिश्तों में दरारें डाल देता है। उन अकलमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। हमारा ताल्लुक ऐसे मुनाफिक माशरे से है जहाँ इख्तलाफ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफ़िकत और हकायक बताओ तो नाराज़गी। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे घड़े जिसमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। उसकी सबसे बड़ी सिफ्त ही बंदे से उसकी मोहब्बत है।